लास्ट वो था, लास्ट बॉल था, लास्ट विकेट था, तो मैं कहा भाई ज्यादा प्रेशर में ना आ जाइए, तो कैच पकड़ लेना, कैच पकड़ा भी, और थैंक यू श्रीशांत। हम लोग खैर यही बातें कर रहे थे, श्रीशांत अगर तू कैच छोड़ देता तो। अब बाद में तब ध्यान से देखा मैंने, जब बाद में रिप्ले देखा तो उसका जो लास्ट वाला उंगली उसमें कैच फंसा था। आप वो फाइनल ओवर डाल रहे थे, धोनी ने आपको बॉल पकड़ाई और मिसबाहुलक सामने थे, रन अप लेते हुए जोगिंदर शर्मा डिसाइड कर रहे थे ये डालूंगा या स्लो ओवर डालूंगा, आज कुछ ऐसा बताइए जो अभी तक नहीं पता हो। देखिए एक तो उस मैच की हर मोमेंट मेरे को याद है, हो भी क्यों नहीं, उससे एक आइडेंटिफिकेशन मिली है मेरे को, जो भी नाम हुआ उस मैच से, उस ओवर से ही हुआ, क्योंकि उससे पहले भी मैं इंडिया के लिए तो खेला ही था और डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफी खेला था, कोई ऐसा इंडिया के लिए कोई टेस्ट मैच को छोड़े कोई ऐसी क्रिकेट नहीं है जो नहीं खेला था, लेकिन एक मोमेंट होता है जिससे एक अलग से पहचान मिलती है जो उस ओवर ने मेरे को दिलाई। हाँ जब लास्ट ओवर था और जिस तरीके से रनअप पे था, पहला बॉल था, पहला बॉल गया वाइड गया, सब लोग कह रहे थे भाई वाइड है प्रेशर में है, पर मैं अंदर से बड़ा खुश था क्योंकि जब वाइड हुआ था कि हम लोगों का टारगेट था कि हमें आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालना हम लोगों को, लेकिन वो बॉल स्विंग हुआ था, स्विंग होकर और बाहर गया तो वाइड हो गया था। धोनी ने बोला था हम लोगों का यही टारगेट था पहले, जब डिसाइड हम लोगों को डिसाइड रहता था कि हम लोगों को डालना क्या, तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालना था, दूसरा बॉल डाला डॉट बॉल भी चला गया, तीसरा बॉल छक्का भी लगा, फुल टॉस बॉल गिरा था, लास्ट बॉल था कि मेरे को यही था आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालूंगा और इसको सिंगल देके चेंज कर, लेकिन वो पहले स्कूप के लिए तैयार हो गया था। और मैं जब जंप लेता हूँ तो ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड चीज है, मैं हूँ जहीर खान है हम कि भी हम लोग जंप में जो दूसरे बॉलर्स होते हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम हम लोगों के पास रहता है, जैसे मैंने देखा स्कूप के लिए तैयार हो रहे हैं, बॉल से अंगूठा हटाया, बॉल का लेंथ चेंज किया, बॉल का स्पीड कम किया, और जब बॉल वो खेल रहा था अगर मैं तेज डालता या आगे यॉर्कर डालता तो वो फाइन लेग के ऊपर से निकल जाता, बॉल का स्पीड कम होने से, लेंथ चेंज होने से, वहां पर श्रीशांत खड़ा था, जब ऊपर गया जब नीचे देखा तो श्रीशांत, तब ये था यार भाई चलो चौका तो नहीं जाएगा लेकिन भाई श्रीशांत पकड़ लेना, श्रीशांत अगर तूने कैच छोड़ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, श्रीशांत ने कैच पकड़ा, हम लोग 2007 पहला T20 वर्ल्ड कप जीते, 2007 के बाद देखिए कि इंडियन टीम में कितना फर्क आया है। आज मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों की वो टीम का जो हमारी सफलता थी, जो हम लोगों ने वो अचीव किया, वो वर्ल्ड कप जो जीते हम लोग, उसके बाद इंडियन क्रिकेट का ग्राफ है बहुत ऊपर आया T20 वनडे, क्योंकि हम लोगों के पास टैलेंट बहुत, हम लोगों का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा स्ट्रांग है। उस रात सो पाए थे? उस रात हम लोगों ने मस्ती भी करी भाई, पार्टी भी करी, और फिर हमारे जैसा टीम का डिनर था तो वहां पर फिर खाना वाना खाने के बाद लेट, तो बड़ी लेट हो गए थे, सोते सोते सो गए थे। पाकिस्तानी प्लेयर से मुलाकात हुई? नहीं उनसे मुलाकात हुई। बट उस टाइम पे ये था कि जब आपने बॉल डाली ना और नीचे जब श्रीशांत को देखा तो आपको पता था कि बॉल जा रही है श्रीशांत नीचे? हम वही देख रहे थे, धोनी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि धोनी ने श्रीशांत कैच पकड़ लेता, लेकिन एक बात बताऊं, श्रीशांत ने उस मैच में एक कैच और बड़ा अच्छा पकड़ा था शाहिद अफरीदी का, वो भी एक बड़ा क्रूशल टाइम था, हमारा टर्निंग पॉइंट था मैच का वो भी, और उसके बाद तो खैर मिसबाहुलक ने काफी हिटे मारी जिससे कि पाकिस्तान वापस मैच में आया था, लेकिन लास्ट ओवर था, लास्ट बॉल था, लास्ट विकेट था, तो मैं कहा भाई ज्यादा प्रेशर में ना आ जाइए, तो कैच पकड़ लेना, कैच पकड़ा भी।